इतनी सारी बफेलोस, बात क्या कर रहा है देखो। देखे वहाँ पे सारी की सारी बफेलोस उस तरफ जा रही थी और देखे यहाँ पे इतनी सारी काव, और सब काव इधर जा रही है गौशाला की ओर जा रही होगी, यहाँ पे कहीं गौशाला होगी। देखे आगे भी कितनी सारी है। पीछे रह गए हैं, सो अभी थोड़ा यहाँ पे रुक के वेट करेंगे और माता रानी के दर्शन करेंगे। बिल्कुल रोड टच है ये टेम्पल, और देखिए पीछे बहुत अच्छा गार्डन भी है। पहले मुझे उतरने तो देखिए ऐसे कौन करता है, मैं यहाँ बाइक पे हूँ, रहमल उतर गए। क्या ये क्या बांधा हुआ है, नीचे से ये निकाल दिया हो, बहुत ज्यादा धूप है ना इसलिए। अभी थोड़ी देर रुके हैं, बहुत ज्यादा धूप है। देखिए चिड़िया कितनी है यहाँ पे, और सबके घर बनाए गए हैं देखिए चारों तरफ। हाँ चिड़िया के घर देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। आ गया पार्ट, मजा आया घूम के। सब लोग आ गए और माता रानी के दर्शन भी हम लोगों ने कर लिए, बहुत अच्छा लगा। रास्ते में वो कहते हैं ना, एक ओ पड़ाव मिल गया हमें रुकने का। देखिए अभी यहाँ से रास्ते में से जा रहे थे और इतना प्यारा टेम्पल मिल गया ना, मैं तो बहुत ज्यादा ही खुश हो गई। तो देखिए यहाँ पे है हमारी माता रानी खोरियार माँ का टेम्पल, तो चलिए आप लोगों को अच्छी तरह से दर्शन करवाती हूँ। चलिए गाइस, तो माता रानी के दर्शन कर लिए अच्छी तरह से, अब चलते हैं हम लोग दूसरी जगह पे जहाँ पे हम लोग जा रहे थे। ये तो रास्ते में माता रानी का टेम्पल था, तो हम लोगों को दर्शन करके बहुत अच्छा लगा और पूरी फैमिली के साथ खोरियार माँ के दर्शन हो गए। चलिए तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं हाईवे पे, कितनी हम लोग अंदर सब गाँव में थे, सब गाँव पार कर करके अब हाईवे पे पहुँच गए हैं। अब हम लोग इजिली टेम्पल पे पहुँच जाएंगे, बिकॉज हम दूसरे ही रास्ते से आ रहे थे, क्योंकि आज हम लोग ना दूसरी साइड ही गए थे, अलग ही साइड पे, तो सारे रास्ते क्लियरली हमें पता नहीं थे, सब जगहों पे पहली बार गए थे। सो अभी बस ये हाईवे पे ही जाना है हम लोगों को। सो चलिए अभी थोड़ी देर में हम लोग पहुंच जाएंगे। गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हैं हमारे डेस्टिनेशन पे, और हम लोग आज आए हैं यहाँ पे उमिया माँ के टेम्पल पे, जो कि सिरसर है। यहाँ पे उमिया माँ का टेम्पल है, बहुत बड़ा टेम्पल है। सब लोग यहाँ पे देखिए अभी बाइक पार्क करके वेट कर रहे हैं, और यहाँ पे गेट है मेन, इसके अंदर अभी हम लोग जाएंगे और आप लोगों को भी करवाऊंगी यहाँ पे माता रानी के दर्शन। सो हम लोग वहाँ से तरसाई से सीधा यहाँ पे आए हैं उमिया माँ के टेम्पल पे। चलिए हम, चलिए सब लोग आगे आगे चले गए, चलिए अभी हमें भी जाना है, बहुत अच्छा टेम्पल है और बहुत बड़ा टेम्पल है। सो चलिए चलते हैं हम लोग। नींद में कैसे सोते हैं ऐसा बोलो, रास्ते में सो गई थी बाइक पे। दृष्टि की मम्मी गुम गई है, पता नहीं, हमारे साथ नहीं है, अब क्या करेंगे दृष्टि? नहीं 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 चाहिए, पुरानी अच्छी है क्या दृष्टि? सही बोला ना, ये दृष्टि का फेवरेट है घूमने का। चले तो टेंपल के अंदर हम लोग पहुंच गए हैं, और टेंपल के अंदर एंटर होते ही ना बहुत बड़ा यहाँ पे गार्डन है, और इतने प्यारे प्यारे फूल्स वगैरह यहाँ पे है ना, देखिए कितना प्यारा गार्डन है चारों तरफ। देखिए हेमल गार्डन कितना प्यारा है, यस, और बहुत बड़ा टेंपल है, चाहे कितने भी वो भक्त आ जाए ना, बहुत ज्यादा ही बड़ा टेम्पल है यहाँ पे। और देखिये यहाँ पे ये मेन टेम्पल है, तो अभी चलते हैं और माता रानी के दर्शन करते हैं। तो चलते हैं अंदर माता रानी के टेंपल पे और दर्शन करते हैं माता रानी।
उमिया माँ के दर्शन हम लोगों ने कर लिए है और यहाँ पे उमिया माँ के टेम्पल के बिल्कुल बाजू में ही यहाँ पे महादेव का टेम्पल है, तो चलिए महादेव के भी दर्शन आप लोगों को करवा दीजिए। तो अभी हम लोग यहाँ पे मंदिर की प्रदक्षिणा कर रहे थे और पीछे की साइड ना यहाँ पे देखिए बहुत प्यारा व्यू है, सारी की सारी माता रानी का यहाँ पे फोटोज है। हेमल नीचे जाएंगे ना फिर अच्छी तरह से दिखाते हैं, ठीक है? पहले प्रदक्षिणा कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए तो अब माता रानी के दर्शन हम लोगों ने कर लिए है, अब जाएंगे हम लोग उस तरफ गार्डन है वहाँ पे बच्चों को लेके, और पीछे की साइड जो माता रानी के सारे फोटोज लगे हुए है ना वहाँ पे भी जाएंगे। सो चलिए अब मंदिर के आसपास का पूरा व्यू दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए गाइस यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, सारी की सारी माता रानी वहाँ तक है और सबसे पहले यहाँ पे नव दुर्गा माँ है जो कि नवरात्रि में हम 9 दिन का पूजन करते हैं, तो ये सारी की सारी 9 के 9 माता रानी है यहाँ पे, तो पहले उसके दर्शन करवाती हूँ। यहाँ से अलग अलग सारी की सारी माता रानी के फोटोज है, तो एक एक के आप लोगों को दर्शन करवाती हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आशापुरा माँ है, यहाँ पे महाकाली माँ, श्री दुर्गा माँ, श्री गायत्री माँ, और यहाँ पे है लक्ष्मी माँ, श्री सरस्वती माँ, श्री चामुंडा माँ, श्री रानल माँ, यहाँ पे है श्री खोरिया माँ, संतोषी माँ, बहुचर माँ, और यहाँ पे है लास्ट में अन्नपूर्णा माँ। और अभी भी है यहाँ पे यहाँ पे सब मंत्र लिखे गए हैं देखिए, और यहाँ से वापस स्टार्ट होती है, और यहाँ से ना स्टार्ट होती है जो अलग अलग सिटी में ना उमिया माँ का टेम्पल है ना वहाँ पे जो मूर्ति रहती है ना वो सारी के सारी बनाई गई है, तो ये सारे के सारे उमिया माँ के ही रूप है बट अलग अलग सिटी के है। सो ये देखिए यहाँ पे सिट सर का है, वहाँ पे माता रानी के दर्शन कर लिए हैं। अभी बच्चों को लेके हम लोग यहाँ पे गार्डन की तरफ आए हैं, और यहाँ पे ब्यूटीफुल सा देखिए फाउंटेन है अंदर की साइड, और बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे ना गार्डन बनाया गया है। सो चलिए अभी चलते हैं और उसके भी अच्छे अच्छे व्यूज देखते हैं। ये लोग ना फोटो सेशन करवा रहे थे, और पीछे से देखो पानी स्टार्ट हो गया। चलिए गाइस तो यहाँ पे गार्डन में भी हम लोगों ने कब से ना यहाँ पे सब लोग मस्ती कर रहे थे और घूम रहे थे और एंजॉय कर रहे थे, और यहाँ पे ना दोपहर शाम होने को अभी हम लोग आए उसे 2 घंटे हो गए हैं, और वहाँ पे कितना प्यारा नजारा है, और वहाँ पे ना बोटिंग भी होती है। मैं जाना है आपको बोटिंग करने? चलो मुझे नहीं, मुझे डर लगता है ऐसा। पार्क के सामने मत बोला, मैंने उसे बोला है कि बोटिंग बंद है। पार्क कहाँ जाना है? चश्मे लेने। ये वो कहाँ है चश्मे लेने? चलिए यहाँ से अच्छी तरह से व्यू दिखाती हूँ। हम लोग देखिए वहाँ पे दीपिका अभी तेजस भाई जा रहे हैं, चलिए कोमल भाभी वहाँ से जाते हैं देखते हैं। इतना प्यारा व्यू है, बहुत अच्छा लगा।
तो गाइस देखिए अभी हम लोग यहाँ पे सिर्फ यू देखने के लिए आए थे, बट देखिए यहाँ पे सारे बच्चे ना वो मछलियों को खाना खिलाने लग गए हैं। और पार्क क्या कर रहे हो? देखो पार्क देखो क्या खिलाया, गाठिया खिलाया, गाठिया गुजराती का गाठिया ना, हम मछलियों को भी पसंद है, हम गुजराती तो खाते ही है गाठिया, और मछलियों को भी खिलाते हो, जो लोग भी गुजरात में आते हैं ना उसे भी गाठिया खिलाते हो। बच्चे तो बच्चे, देखो बड़े भी गाठिया खिला रहे हैं सब लोग, किसको मजा आ रहा है, पसंद है ना गाठिया? हम लोगों ने ना सुबह भी गाठिया खाया था वहाँ माउंटेन के ऊपर बैठ के, गाठिया और संभारा और तीखी तीखी मिर्ची के साथ, इतना पसंद है हम गुजरातियों को गाठिया, उसके बगैर हम रह ही नहीं पाते हैं। हर संडे के दिन हो या रोज डे, कोई सुबह ब्रेकफास्ट में चाहिए हम लोगों को गाठिया। अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और मंदिर के अंदर आरती स्टार्ट हो गई है, बट अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, अभी थोड़ी ही देर में सब जगहों पे अच्छी तरह से लाइटिंग स्टार्ट हो जाएगी। कितना प्यारा लग रहा है देखिए टेम्पल, बट देखिए अभी हम लोग यहाँ पे रुकेंगे तो घर जाने में लेट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ से पोरबंदर बहुत ज्यादा ही दूर है। सो अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं, अभी थोड़ा खाना, अभी थोड़ा नाश्ता करेंगे फिर जाएंगे, चले तो अभी चलते हैं। तो अभी टेम्पल से दर्शन करके निकले ना, तो सीधे बच्चे टूटे दुकान पर, और पार्क में देखे क्या लिया, और चलिए हम लोग अब जाएंगे सीधा खाना खाने, क्यों बच्चों जाना है ना, भूख लगी है ना, बहुत ज्यादा भूख लगी है, सीधा जाएंगे हम लोग पेट पूछा करने। चलिए वहाँ सामने देखिए, वहाँ पे देखिए सब कुछ मिलता है, साउथ इंडियन, पंजाबी, चाइनीज स्नैक्स, फास्ट फूड एंड पेस्ट्रीज, तो सब खाएंगे हम, सब खाना है ना, सब खाएंगे, जबरदस्ती खाएंगे, नहीं खिलाएंगे तो खाके भाग जाएंगे, भूख लगी है खाना दो। क्या अभी सब लोग यहाँ पे बैठ गए हैं और सभी लोग आइसक्रीम खा रहे हैं डिनर के बाद का डिजर्ट, बिकॉज क्या हुआ था कि जब लोग हम लोग डिनर करने बैठे ना, तब मेरे कैमरे की बैटरी फिनिश हो गई थी, इसलिए मैंने उसे चार्जिंग पे लगा दिया था, और फटाफट से हम लोगों ने डिनर कर लिया था, और सब लोगों ने ना पंजाबी खाया यहाँ पे, अभी सब लोग आइसक्रीम मस्त खा रहे हैं। नहीं मेरा गला खराब है, कोमल भाभी क्या खा रहे हैं, आइसक्रीम, सब लोग की बैटरी लो हो गई है कैमरे के साथ साथ अब। और रात के कितने बजे है मत, तो देखिए वहाँ पे मून का व्यू बहुत प्यारा दिख रहा है, देखिए अभी 8 तो यहीं पे बज गए हैं, 8:10, पता नहीं अब घर कब तक पहुँचेंगे, 6 मिनट हाँ। देखिए कोमल भाभी क्या है, चॉकलेट यहाँ पे आ रही है, चॉकलेट, मुझे आइसक्रीम नहीं खानी थी, कोमल भाभी को कोमल भाभी रिच को दे रहा है, और देखो पार्क अपने पापा को दे रहा है। कितने बजे? 8 बजे पहुँचेंगे, सब लोग इधर उधर पास कर रहे हैं। चलिए तो अभी बातें कर करके सब लोग थक गए, और अब जाके सब लोग खड़े हुए, और अब जाना है घर पे, ऐसा डिसाइड कर रहे हैं, घर जाना है कि कहीं दूसरी जगह पे, अभी दूसरी जगह पे जा रहे हैं, अभी भी दूसरी जगह पे जाना है, रात के 8:30 आए हैं, 8:20 हुई होगी, देखिए सही बोला ना, 8:23 हुई है, और कोमल भाभी घर नहीं जाना ना आज, नहीं जाना, चलिए कोमल भाभी तो बोल रहे हैं यही सारी बार, हाँ हम दोनों चलेंगे, ट्रेन में बैठ जाएंगे, क्या लिखा पार्क डांटेंगे। चलिए तो अभी हम लोग घर पे जा रहे हैं, बट आपको लास्ट में माता रानी के मंदिर का नाइट व्यू दिखा रही हूँ। Like you're in a thriller, hard cause pom pom pom. Ghostly figures, they can get so bitter. Show you want to enter, you can turn back. पीयूष भाई की कैप उड़ गई और उसे पता भी नहीं है, बिकॉज उसने कवर किया है दुपट्टे से, वो बोल रहे हैं कि क्या हुआ और कैप उड़ गई, देखिए